कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। हिजाब को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। हिजाब और बुर्का पहने कुछ मुस्लिम छात्राओं ने तुमकुर के गर्ल्स इम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर एंट्री से रोके जाने पर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सड़कों पर उतरते समय अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। तुमकुर में हुए प्रदर्शन पर एक्शन लेते हुए अब कर्नाटक पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज शिमोगा से 58 विद्यार्थियों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कर्नाटक के किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक पोशाक नहीं पहनेगा। जबकि स्कूल कॉलेज की महिलाओं को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हिजाब और बुर्का पहने देखा गया था और हिजाब को लेकर कर्नाटक में आए दिन विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो गई है।